Hey guys, welcome to StudyIQ. मैं हूँ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम इंडिया नेपाल रिलेशंस को डिस्कस करेंगे. रिसेंटली नेपाली प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए 4 डे विजिट के लिए और बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई, बहुत सारी प्रोग्रेस भी हुई, सब कुछ एनालाइज करेंगे. एंड ऑफ कोर्स ये विजिट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोकलाम स्टैंड ऑफ इस वक्त इंडिया और चाइना के बीच में अभी भी जारी है. दोनों आर्मीज आमने सामने खड़ी है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. तो ऐसे समय जब नेपाली प्राइम मिनिस्टर इंडिया आते हैं तो उस विजिट की इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है. स्टडी आई क्यू के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज वेरियस कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि एसएससी एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स एंड यूपीएससी एग्जाम्स एज वेल. हमारी टेस्ट सीरीज भी है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स बोथ इन इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी में. हमारे कोर्सेज या टेस्ट सीरीज बाय करने के लिए आप studyiq.com पे जा सकते हैं या इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं. अब यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनका आपको नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. इंडिया नेपाल रिलेशंस बहुत हद तक न्यूज़ में रहे हैं, सो यू शुड नो अबाउट दीज इंडिविजुअल्स. नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देबुआ. ऑलराइट, नेपाल की प्रेसिडेंट कौन है? वो है विद्या देवी भंडारी. ऑलराइट, ये तो आपको 100% याद होना ही चाहिए. और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या और कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो एम्बेसडर्स हैं, नेपाल्स एम्बेसडर टू इंडिया और इंडियाज एम्बेसडर टू नेपाल, इनके बारे में भी आपको बताना चाहिए. नेपाल्स एम्बेसडर टू इंडिया हैं मिस्टर दीप कुमार उपाध्याय, ठीक है, और इंडियाज एम्बेसडर टू नेपाल हैं मिस्टर मंजीव सिंह पुरी. दोनों नाम आपको याद होने चाहिए. अब दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री इंडिया आए हैं दोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान. ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट विजिट है, बट ये विजिट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि बहुत रिलायबल न्यूज़ आउटलेट से ये भी न्यूज़ आ रही है कि चाइना ने भूटान को $10 बिलियन का लोन ऑफर किया है. अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे कि चाइना किस तरीके से अपनी मनी पावर, अपनी पैसे की शक्ति को इस्तेमाल कर रहा है डिप्लोमेसी में. खैर, फॉर द टाइम बीइंग हमको ये देखना है कि इंडिया और नेपाल ने 8 पैक्ट्स पर साइन किए हैं और उसके अलावा दोनों देशों ने जो बायलैटरल टाइज हैं इंडिया और नेपाल के, उसको डिस्क्राइब करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, डीप, कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टीफेसेटेड. इन शब्दों को आप अपने एसे में यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा वेरियस जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी मिलकर काम करने का दोनों देशों ने निर्णय लिया है. अब यहाँ पे आपको बताता हूँ कि रेलवे लिंक्स कौन कौन से अभी बनेंगे और उसके अलावा सड़कें कहाँ कहाँ पे बनेंगी, ये जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब नेपाल और इंडिया ने बहुत सारे पैक्ट साइन किए हैं मगर उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट्स, जिससे दोनों देशों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा और एक ट्रेड डेफिसिट है जो दोनों देशों के बीच में, जो नेपाल को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, उस पर भी दोनों देश मिलकर काम कर पाएंगे. अब यहाँ पे हमको समझने की ज़रूरत है कि दो मेन क्रॉस बॉर्डर रेल प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जिस पे इंडिया और नेपाल जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहते हैं. एक तो है जयनगर बिजलपुर बर्देवास रेल लिंक और उसके अलावा जोगबानी बिरातनगर रेल लिंक. अब ये दोनों जो एरिया है, ये जयनगर और जोगबानी, ये इंडिया के हैं और दोनों बिहार में. अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा ये कहाँ पे है. बहुत ही छोटे रेल लिंक है. अब ये बात याद रखना, आगे जाके मैं आपको अलग से, जब चाइना से हम कंपैरिजन करेंगे प्रोजेक्ट्स का, जो प्रोजेक्ट चाइना कैरी आउट कर रहा है और जो प्रोजेक्ट्स इंडिया कैरी आउट कर रहा है, उसमें हमें तब जानने को मिलेगा कि इंडिया की विजन कितनी छोटी है, प्रोजेक्ट्स का जो साइज है कितना छोटा है और उनका इम्पैक्ट कितना कम होगा कंपेयर टू व्हाट चाइना इज ऑफरिंग. खैर, फॉर द टाइम बींग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि ये दोनों जो रेलवे स्टेशन हैं ये बिहार में हैं और ये नेपाल को कनेक्ट करेंगे इंडिया से. अब ये है इंडिया और नेपाल का मैप, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है चाइना और यहाँ पे ये एरिया है तिब्बत का. अब देखो इंडिया ने क्या ऑफर किया है कि यहाँ पे एरिया है जोगबानी, यहाँ पर जोगबानी को कनेक्ट किया जाएगा विराटनगर से, तो ये एक रेलवे लिंक है. उसके अलावा एक और है पास में ही, तो ये बहुत ही छोटे छोटे रेलवे लिंक है. जबकि चाइना क्या ऑफर कर रहा है नेपाल को, एक $8 बिलियन का रेलवे लिंक जो तिब्बत को नेपाल से कनेक्ट करेगा. अब देखो नेपाल की कनेक्टिविटी इंडिया से काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू दैट ऑफ चाइना, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माउंटेनियस रीजन है, इस वजह से बहुत ही आसान नहीं है चाइना से कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करना. इंडिया के साथ ज़्यादातर जो एरिया है वो प्लेन है और वहाँ पे सड़कें भी बनी हुई है, काफ़ी पुराना वहाँ पे एक रोड नेटवर्क है, तो उस वजह से हिस्टोरिकली नेपाल के ट्रेड टाइज इंडिया से काफ़ी अच्छे रहे हैं. बट अब चाइना भी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके नेपाल के साथ लिंक्स इंप्रूव कर रहा है, इस पर अभी और बात भी करेंगे आगे. अब जो रिसेंट विजिट हुई है नेपाली प्राइम मिनिस्टर की इंडिया में, उसमें दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स ने
इस बात पर सहमति जाई है कि ये दोनों जो रेलवे लिंक है जिसपे हम बात कर रहे थे अभी, जयनगर टू जनकपुर और उसके अलावा जोगबानी टू बिरातनगर कस्टम यार्ड, ये दोनों कंप्लीट कर दिए जाएंगे 2018 तक। और आगे पीटीआई में लिखा है, द नेपाली साइड कमिटेड टू रिजॉल्व ऑल इश्यूज फॉर एक्सपीडिशियस कंप्लीशन ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट्स। तो एक्सपीडिशियस मतलब जल्द से जल्द, तो नेपाली साइड चाहती है कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो और उसके लिए वो कमिटेड है। नेपाली साइड ऐसा क्यों चाहती है, क्योंकि देखो नेपाल से बहुत सारे लोग इंडिया में काम करने के लिए आते हैं और अलॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। दोनों देशों के बीच में ओपन बॉर्डर है बट एट द सेम टाइम रेलवे लिंक नहीं है, जो बहुत लोगों को अजीब लगता है, क्योंकि जब ओपन बॉर्डर है तो रेलवे लिंक, जैसे आपको पता है इंडियन रेलवे का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, एक वास्ट नेटवर्क है, तो नेपाल जैसी कंट्री जो इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखती है बहुत ही लंबे समय से और ओपन बॉर्डर भी है, उनके साथ रेलवे नेटवर्क ना होना है काफ़ी अजीब बात थी। खैर फाइनली उस पर काम किया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट काफ़ी डिलेड भी हो रखा है। एक्चुअली ये 10 साल पहले होना चाहिए था मगर अब ये 2018 में कंप्लीट होगा। उस सब के अलावा इंडिया ने नेपाल को बहुत क्रेडिट भी दिया हुआ है, मतलब उधार में पैसे दिए हुए हैं, बेसिकली $100 मिलियन दिए हुए हैं सड़कों की डेवलपमेंट के लिए और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए $250 मिलियन दिए हुए हैं। इस पर भी दोनों देशों ने सेटिस्फेक्शन दिखाई है कि जो भी काम हुआ है इस पैसे से वो काफ़ी अच्छा रहा है नेपाल में। और उसके अलावा आपको याद होगा कि नेपाल में अर्थक्वेक भी आया था 2-1.5 साल पहले और उसमें भी इंडिया ने $750 मिलियन का नेपाल को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था और उसकी वजह से भी काफ़ी जो रिकन्स्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है। बट जैसे ही नेपाल को ये क्रेडिट दिया इंडिया ने, जो उधार दिया पैसा इंडिया ने, उसके बाद मलेशिया क्राइसिस हो गया और इंडिया और नेपाल की जो बॉर्डर थी वो ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से जो भी इंडिया ने अच्छा काम किया था ड्यूरिंग द रिकंस्ट्रक्शन पीरियड, नेपाल को मदद करने में, एम्बुलेंसेस प्रोवाइड करी वहाँ पर और भी वेरियस असिस्टेंस दी, उस सब पे एक तरीके से आप कह सकते हो पानी फिर गया। क्योंकि जब ब्लॉकेड हुआ इंडिया और नेपाल की बॉर्डर का तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेसिकली और भी कमोडिटीज़ जो इंडिया से नेपाल इंपोर्ट करता है वो सब रुक गई और अचानक से पेट्रोल प्राइसेस जो थे नेपाल में वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए और लोगों को ओवरऑल जो एवरीडे लाइफ है लोगों की उसमें बहुत लोगों को असर हुआ। अब उस वजह से इंडिया की एक नेगेटिव इमेज बन गई नेपाल में और उसके अलावा चाइना नेपाल में अपना प्रोपेगेंडा भी चला रहा है जिसमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को फ्यूल किया जा रहा है, जिसमें इंडिया को एक अग्रेसर के तौर पर पोर्ट्रे किया जाता है। तो खैर फिर भी इंडिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है नेपाल को आर्थिक सहायता पहुँचाने की। उसके अलावा देखिए दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स ने एक और MOU पर भी काम करने का फैसला किया है जो होगा पशुपति एरिया डेवलपमेंट ट्रस्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बीच में, जहाँ पे पशुपतिनाथ जो टेंपल है उसका रिकंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन वर्क किया जाएगा। अब पशुपतिनाथ टेंपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए, वो आपसे मैं पूछता हूँ, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए पशुपतिनाथ एक वर्ल्ड फेमस टेंपल है, हिंदूज के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंपल है, आपको बताना है ये किस नदी के तट पर लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ बागमती रिवर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टेंपल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में। उसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर लीजिएगा एक बार फिर इसका एक आंसर दीजिएगा, फिर मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। क्या जो टेंपल कॉम्प्लेक्स है पशुपतिनाथ का, क्या ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शुमार होता है? तो एक बार वीडियो पॉज कर लो फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका आंसर है जी हाँ बिल्कुल, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें पशुपतिनाथ टेंपल का जो कॉम्प्लेक्स है वो भी उसमें इंक्लूडेड है। अभी नेपाल की इस वक्त मेन कंसर्न क्या है, एक तो देखो इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है मगर वो नेपाल की जो कंसर्न्स है उसकी प्रायोरिटी में इस वक्त अभी काफ़ी ऊपर नहीं है, जो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है। नेपाल का जो मेन कंसर्न इस वक्त है वो ये है कि जो ट्रेड डेफिसिट है नेपाल का इंडिया के साथ उसको कम किया जाए। ये ऑफ कोर्स जब रेलवे लिंक्स कनेक्ट और ज़्यादा इंप्रूव होंगे और उसके अलावा और ओवरऑल दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, ट्रेड और ज़्यादा बढ़ेगा तो उसमें जो ये ट्रेड डेफिसिट है ये भी नैरो हो जाएगा और दोनों देश इक्वली बेनिफिट करेंगे ट्रेड से। उसके अलावा नेपाल काफ़ी अनहैप्पी है, देखो बेसिकली क्या है, इंडिया के पास उतने फंड्स नहीं हैं जितने चाइना के पास हैं, ऑब्वियसली सीरीज़ अभी मैं इसको बताऊँगा वो क्यों है, चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है अलग से, उसके बारे में बात करेंगे अभी कुछ मिनट्स में। बट इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट जिन पे इंडिया MOU साइन कर चुका है, कमिटमेंट कर चुका है, वो कंप्लीट नहीं कर पाता टाइम पे। तो वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया ने प्रॉमिस किया था कि नेपाल के साथ बनाएगा इंडिया, वहाँ पे काम बहुत स्लो हो रहा है, उस पर भी नेपाल की काफ़ी नाराज़गी है।
तो एक तो है अरुण 3 अपर करनाली और उसके अलावा पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। ये दोनों प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, बट अभी भी लग रहा है कि कुछ साल और लग जाएंगे इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने में, क्योंकि अगेन नॉट इनफ फंड्स। अब हम बात करते हैं कि चाइना इंडिया से आगे कैसे है। अब देखो, इवन दो नेपाल और चाइना के बीच में जो एरिया है वो काफ़ी माउंटेनियस है, बट चाइना ने एक बहुत ही बड़ा कदम लेते हुए नेपाल को ऑफर किया है एक $8 बिलियन का क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट। अब ये वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का ही हिस्सा मान के वो चल रहे हैं। उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ को जहाँ पे लोन नहीं बांटना चाहिए, वर्ल्ड बैंक भी उनको लोन नहीं देता, चाइना ने बढ़ चढ़ के लोन दिया। अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा कि चाइना ने कहाँ कहाँ पे, कम से कम साउथ ईस्ट एशिया में किन किन कंट्रीज़ को लोन दिया है। और अभी के लिए देखो, ये जो अमाउंट है $8 बिलियन का एक पूरा प्रोजेक्ट बनाने का, ये एक इतना बड़ा अमाउंट है क्योंकि देखो, इंडिया और जो नेपाल के बीच में रेलवे लिंक्स बनेंगे वो कुछ $1 मिलियन के होंगे, इससे आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। अगर आप तिब्बत को काठमांडू से कनेक्ट कर देते हो तो नेपाल को एक बहुत ही बड़ी ऑप्शन मिल जाएगी और नेपाल की जो डिपेंडेंस है इंडिया के ऊपर वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। कल को अगर इंडिया ब्लॉकेट करने की कोशिश करता है नेपाल की जो बॉर्डर है, तो नेपाल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से चाइना से वो सब कुछ इम्पोर्ट कर सकता है। और चाइना रेडिली वेट कर रहा होगा कि कब ऐसा हो और वो नेपाल पर अपना जो इन्फ्लुएंस है वो और बढ़ा सके। उस सब के अलावा चाइना हैज़ ओपन्ड मोर देन 30 क्रॉसिंग पॉइंट्स फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग द बॉर्डर विद नेपाल। अब कुछ सड़कें हैं जहाँ पर नेपाल और चाइना की, वहाँ पे 30 क्रॉसिंग पॉइंट्स नेपाल ने खोल दिए हैं ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके अलावा एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है, चाइना ने ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रोवाइड किया है नेपाल को। ऐसा सिमिलर अटैम्प्ट इंडिया ने भी किया था, बट वेदर कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी, उसकी वजह से इंडिया ब्रॉडबैंड नेपाल को प्रोवाइड कर नहीं पाया, बट यहाँ पर भी चाइना हमसे आगे निकल गया और उन्हें ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कर दिया। उसके अलावा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, जहाँ पे इंडिया लैग कर रहा है, वहाँ पर भी चाइना ने $8.3 बिलियन के रोड और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाने का नेपाल में कमिटमेंट किया है। और इंडिया ने जो टोटल कमिटमेंट किया है वो सिर्फ $337 मिलियन की है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि चाइना कितना ज़्यादा आगे है। अब ये जो पॉइंट है, इसको थोड़ा सा और इस पर और डिस्कशन आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि इंडिया के आसपास के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, जो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, या अब नेपाल हो, और ऊपर इवन म्यांमार, वहाँ पे चाइना कितना लोन वहाँ पे उनको ऑफर कर रहा है और वो लोन इतना ज़्यादा क्यों है, चाइना इतना बड़ा लोन क्यों ऑफर कर पा रहा है उनको। अब ज़रा इस मैप पे यहाँ पे नज़र डालो, यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया के सारे नेबर्स जहाँ पे चाइना ने उनको लोन दिए हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स की। अब हमको ये बात समझनी होगी, पहले आपको बताता हूँ कि किन किन देशों को कितना लोन दिया है चाइना ने। आपको ये तो पता है कि पाकिस्तान में चाइना करीब 45 बिलियन से लेकर 50 बिलियन के करीब इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें से काफ़ी बड़ा अमाउंट एक लोन भी है जो पाकिस्तान को चाइना देगा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए और ऑफकोर्स ग्वादर पोर्ट के लिए। अब यहाँ पे हमको ये समझना होगा कि पाकिस्तान को ये अमाउंट क्या कहीं और से मिल सकता रहा? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस वक्त ड्विंडल कर रहे हैं, बहुत कम हो गए हैं, करीब $20 बिलियन के आसपास है, उससे भी कम हो गए हैं। तो ऐसी कंट्री को कोई जितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है उससे भी डबल से भी ज़्यादा अमाउंट का लोन दे दे इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए, इतनी इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पर, ये तभी होता है जब, और इसका रीज़न सिर्फ एक है, वो है चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। चाइना के पास $3 ट्रिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, एक टाइम पे 4 ट्रिलियन भी थे, अब कम हो गए हैं थोड़े से। तो उसकी वजह से चाइना के पास बहुत सारी एक फाइनेंशियल मसल है, चाइना चाहे तो अब वर्ल्ड बैंक यहाँ पे ऐसी कंट्री जैसे पाकिस्तान है या फिर बांग्लादेश है, म्यांमार है, या इवन नेपाल है, इनको 10 बिलियन का 20 बिलियन का लोन कभी नहीं देगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में काम करता है, उनके रूल्स हैं, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। बट चाइना के पास इतना धन इस वक्त है, इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि कल को उनको थोड़े बहुत लॉसेस भी होते हैं, उनको वो लॉसेस से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर लॉसेस होते नहीं है तो वो जहाँ पे लैंड है वो लीज़ पे ले लेंगे। फॉर एग्जांपल श्रीलंका में क्या हुआ है, श्रीलंका में आपको पता है हम्बनटोटा, यहाँ पे ये जगह है हम्बनटोटा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चाइना ने ये पूरा एरिया डेवलप किया और बहुत लोन दिया श्रीलंका को, और श्रीलंका का जो पूरा प्रोजेक्ट था हम्बनटोटा का, ये फेल कर गया। जितना वहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो सक्सेसफुल होगा, उतना बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो श्रीलंका ने मजबूरी में हम्बनटोटा पोर्ट का 70% हिस्सा चाइना को लीज़ पे दे दिया। अब इस पर भी काफ़ी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप देखिएगा। उसके अलावा म्यांमार में भी, यहाँ पर देखिए इस एरिया में, यहाँ पर कोयाबकू में चाइना एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहा है और उसके अलावा एक पोर्ट भी बना रहा है।
और खैर इंडिया भी यहाँ पे बना रहा है वैसे सितवे में एक पोर्ट डेवलप कर रहा है, बट इंडिया की स्पीड अगेन बहुत ज़्यादा स्लो है कम्पेयर टू दैट ऑफ चाइना। उसके अलावा बांग्लादेश में चाइना ने करीब बांग्लादेश को चाइना ने 24 बिलियन डॉलर्स का लोन दिया है। 24 बिलियन डॉलर्स का लोन इंडिया बिल्कुल नहीं दे सकता। इसका मैं आपको अभी और रीज़न बताऊँगा क्यों नहीं दे सकता। इसमें जो कंट्रीज जिस तरीके से फंक्शन करती है वो उसका भी रोल होता है। और अब रिसेंटली न्यूज़ ये आई है, ये ऑफकोर्स कोई ऑफिशियल सोर्स से नहीं है, ना भूटान की गवर्नमेंट ने इसको कन्फर्म किया है, ना चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको कन्फर्म किया है, बट बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि भूटान को चाइना ने 10 बिलियन डॉलर्स का लोन ऑफर किया है। ये ऑफर क्यों किया है इस पर नज़र डालते हैं। अब देखो आपको पता है कि दोकलाम स्टैंड ऑफ इस वक्त जारी है इंडिया और चाइना के बीच में। अब ये हो कहाँ पे रहा है? दोकलाम प्लेट्यू जो है या प्लेट्यू वो चाइना और भूटान के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है। अब वहाँ पर चाइना रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था, इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया कि भूटान के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, तो कैसे वो एक फ्रेंडली कंट्री को इस तरीके से चाइना बुली कर रहा है और एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में एक सड़क बना रहा है। ऑफकोर्स इंडिया के इसमें खुद के इंटरेस्ट भी थे, क्योंकि यहाँ पर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है चिकन्स नेक, वो भी काफ़ी हद तक अटैक की रेंज में आ सकता था अगर चाइना वहाँ पर प्रॉपर रोड कंस्ट्रक्ट कर लेता। तो खैर अब चाइना, एटलीस्ट न्यूज़ आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि चाइना की स्ट्रेटजी ये है कि भूटान को खरीद लिया जाए पैसे से। भूटान को इतना बड़ा लोन ऑफर करो कि वो इंडिया की जो पोजीशन है, बेसिकली अगर भूटान कल को ये कह दे कि नहीं हमको डिस्प्यूटेड एरिया में अगर चाइना कुछ रोड कंस्ट्रक्ट करता है तो हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इंडिया के पास क्या वजह रह जाती है दोकलाम में खड़े रहने की? इंडियन आर्मी को इमीडिएटली वापस जाना पड़ेगा और इंडिया के लिए इंटरनेशनल जो अरीना है वहाँ पर एक बहुत एम्बैरेसमेंट का कारण भी वो बन जाएगा। तो भूटान पर एक बहुत ज़्यादा एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, जो चाइना इस वक्त कर रहा है उसके उसको एक्सपोज करे और पैसे के दबाव या पैसे के लालच में अपना स्टांस चेंज ना करे। खैर अभी रिपोर्ट्स ये आ रही है कि चाइना ने 10 बिलियन डॉलर्स का लोन दिया है, लोन देने का ऑफर किया है भूटान को, और इसमें एक बहुत ही लो इंटरेस्ट लोन होगा और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होगी जो भूटान के लिए काफ़ी टेम्पटिंग है। अब यहाँ पर देखो एक करप्शन का एंगल भी होता है, जो अनऑफिशियली ये भी बता दिया जाता है कि जो 10 बिलियन डॉलर्स का लोन होगा उसमें भूटान के जो ऑफिशियल्स हैं, भूटान के पॉलिटिशियंस हैं, उसमें से वो कितना अपना कट ले सकते हैं या किस तरीके से उस लोन को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं भूटान में जहाँ पे ऑलरेडी उन पॉलिटिशियंस की ज़मीनें हो, वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी हो जिससे उनको प्रॉफिट हो, तो वो भी पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग होता है। ये सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन नहीं होता, यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस भी कई बार बिक जाते हैं। तो खैर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया है कि अब भूटान को भी चाइना जिस तरीके से एक नई स्ट्रेटजी बना के उसको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। अब चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे नज़र डालते हैं। अब देखो चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे आप नज़र डालोगे अगर 1981 से लेकर आप अगर एक बार सन 2000 तक भी देखो तो चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने ज़्यादा नहीं थे, बट सडनली हम देखते हैं 2002 के बाद कुछ सडनली एक मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा बूम आता है चाइना में। एक्चुअली बूम की जो फाउंडेशन थी उन्होंने बहुत पहले से खड़ी कर रखी थी, बेसिकली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उसका जादू चल गया वहाँ पे, जिस तरीके से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वो लोग चाइना में लोग कर रहे थे तो बाहर की कंट्रीज़ को जो पेमेंट करनी थी उस मैन्युफैक्चरिंग की और जो भी वो एक्सपोर्ट कर रहे थे उसकी जो पेमेंट करनी थी वो पेमेंट इतनी ज़्यादा थी कि धीरे धीरे जो सर्विसेज और प्राइमरीली गुड्स को एक्सपोर्ट कर करके चाइना का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बिल्कुल 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था एक टाइम पे। फिर बीच में कुछ जो चाइनीज़ करेंसी है रेमेंबी उसकी जो वैल्यू है उसका भी करेक्शन हुआ। अब देखो यहाँ पे चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो इंक्रीज़ हुआ है उसमें काफ़ी बड़ा रीज़न ये भी है चाइना की करेंसी मैनिपुलेशन। चाइना की जो करेंसी है रेमेंबी, चाइना उसको जानबूझकर जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे बहुत कम रखता है ताकि उसको एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, बट वो अकेला रीज़न नहीं है चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इतना ज़्यादा उठने का। उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस, उसके अलावा चाइना की जो प्रॉक्सिमिटी है जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, जो मेजर एशियन इकोनॉमीज़ हैं उनके साथ चाइना ने ट्रेड करके ओवरऑल अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं बहुत ही आगे बढ़ा ली है, बहुत ही ज़्यादा इकट्ठी कर ली है। अब इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बलबूते चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में ऐसी कंट्रीज़ को लोन दे सकता है जो वर्ल्ड बैंक कभी सोचेगा भी नहीं। फॉर एग्जांपल चाइना ने सीरिया को लोन दे दिया, सीरिया जो एक वॉर टोन कंट्री है, सिविल वॉर हो रही है वहाँ पे चाइना लोन देने का सोच रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो कितने बेफिक्र हैं और कितने फियरलेस हैं व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रीब्यूटिंग लोन्स। अब वापस आते हैं इंडिया नेपाल रिलेशंस पे।
अब जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना का ग्रोइंग क्लाउड है पूरे रीजन में, उससे नेपाल ही बचा नहीं रहा। नेपाल को भी काफ़ी लुक्रेटिव रखते हैं चाइना के लोन, जो काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे होते हैं। और अफकोर्स जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी और इंस्टीट्यूशन दुनिया का और या कोई भी और कंट्री उस तरीके का लोन नेपाल जैसी कंट्री को, नेपाल जैसी छोटी कंट्री को नहीं प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पे क्या है कि दोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया तो आ गए, मगर यही जो चाइना का एक तरीके से ग्रोइंग क्लाउड है उसकी वजह से उन्होंने दोकलाम प्लेट्यू पर एक लाइन भी नहीं बोली, एक कोई भी स्टेटमेंट नहीं बोली। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं एस जयशंकर जी, उनसे जब पूछा गया मीडिया द्वारा कि दोकलाम प्लेट्यू पे नेपाली प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, क्योंकि इंडियन साइड से यही उम्मीद की जा रही थी कि अब दोकलाम स्टैंड ऑफ ने जिस तरीके से अब जापान के एम्बेसडर ने रिसेंटली इंडिया का सपोर्ट किया है, वैसे हम नेपाली गवर्नमेंट भी इंडिया का सपोर्ट करेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इंडिया को यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि नेपाल अब धीरे धीरे चाइना की तरफ भी जा रहा है, और इंडिया को नेपाल के साथ जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही प्रायोरिटी बेसिस पर इम्प्रूव करने होंगे, क्योंकि एक बार नेपाल कम्प्लीटली चाइना की तरफ स्विंग हो जाता है तो इंडिया के लिए स्ट्रेटजिकली वो एक बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इंडिया ये कैसे कर सकता है? सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया अपने खुद के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ा सकता है। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स करीब 300 बिलियन डॉलर्स 400 बिलियन डॉलर्स के बीच में ही रहते हैं, कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको ये समझना होगा कि कहाँ पे वो 3 ट्रिलियन डॉलर्स पे है, हम 300-400 बिलियन डॉलर्स पे हैं। तो धीरे धीरे अगर हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट और ज़्यादा देने की और ओवरऑल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करने की, तो ही अपने जो एलाइज हैं उनको हम अपने साथ रख पाएंगे, अपने ऑर्बिट में रख पाएंगे। नहीं तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एक फाइनेंशियली अग्रेसिव चाइना आराम से इस पूरे रीजन में डोमिनेट कर सकता है। और ये हमारी वीडियो का अंत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर सकते हैं आप फेसबुक व्हाट्सएप या जहाँ भी आप चाहें। कोई और टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं, स्टडी आईक्यू की टीम आपके लिए कोई वीडियो बनाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।